करते शैतानिया दोनों एक जैसी भाग्यकारी है दुनिया का नारा चले रहो मंदिर का इशारा चले रहो। अरे क्या हुआ ये वीडियो बना रहे बैठे हैं एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है 98% तो लाने ही है फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल ऑल इज वेल। अब रात ना वीडियो बनाने के बहाने यहाँ पे देखते हैं लाइव सच में नौकरानी लग रही है जो जल्दी आना झाड़ू भी ला दे। स्टार्ट करो दुद्दू था मोबाइल को देखे उड़ा दो दिन है जो ना क्या गप्पा टिंग टॉंग नौकरानी जी मालकिन जाकर दरवाजा खोलो कोई आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम काजल। उन्होंने बोला काजल। क्या काजल? काजल तो सब्जी का नाम होता है। उनसे जाकर के पूछो कि वो किस चीज का काम करते हैं। आप किस चीज का काम करते हैं? लकड़ी का। उन्होंने बोला लड़की का। क्या? लड़की का कोई काम नहीं होता। उनको जाकर के बोलो कि वो कहाँ रहते हैं। आप कहाँ हैं?
राजस्थान में। बोले उन्होंने बोला कब्रिस्तान में। क्या कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में कोई रहता है क्या? कब्रिस्तान में तो सिर्फ मुर्दे ही रहते हैं, ना ही इंसान ना ही जानवर। उनसे जाकर के बोलो कि चप्पल बाहर रख के अंदर आ। चप्पल अंदर रख के बाहर जा। या अल्लाह, दो बज गए नौकरानी। जी मालकिन, अभी तक मेहमान क्यों नहीं आए? तुमने उनसे क्या कहा था? मैंने उनसे कहा था चप्पल अंदर रख के बाहर जाओ। बदतमीज, जाकर के उनको बोलो कि चप्पल बाहर रख के अंदर आए। चप्पल बाहर रख के अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। नौकरानी? जी मालकिन। देखो गाजर जी आ गए। तो वास्तफरुल्ला, हमारा नाम काजल है ना कि गाजर। किस नालायक नौकरानी ने कहा था कि आपका नाम गाजर है? आप कब्रिस्तान में रहते हैं? जी नहीं, हम राजस्थान में रहते हैं। आप लकड़ी का काम करते हैं? जी का। नौकरानी? जी मालकिन। जाकर हमारे लिए चाय बना कर लाओ। अच्छा खासा ड्रामा किया सब। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। नौकरानी? जी मालकिन। इन्हें वॉशरूम में ले जाओ। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। नौकरानी? जी मालकिन। तुम मुझे ये बताओ कि तुम चाय में क्या क्या डाली थी? एक चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर। बदतमीज, कोई ऐसी चाय बनाता है क्या? जाकर की गाड़ी में पेट्रोल भरो और फ्रेश पानी से पोंछ देना। फिर से कुछ गलती गलती मत करना, वरना 2 थप्पड़ खाएगी। अरे मालकिन ने कहा था गाड़ी में पानी भर दे और फर्श को पेट्रोल से पोंछ देने कहा था। काजल जी? जी। चलिए हम लोग घूमने चलते हैं। चलिए। ये गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? लगता है आपकी नौकरानी ने फिर से कोई गड़बड़ किया है। खैर चलिए हम लोग घर चलते हैं। अल्लाह, नौकरानी, तूने मेरी कमर तोड़ डाली, मुझे उठाकर अपने चेयर पर ले चलो। नौकरानी? जी मालकिन। तुम मुझे ये बताओ कि तुम गाड़ी में क्या भरी थी? मैंने गाड़ी में पानी भरा था। बदतमीज, और फर्श किसने पोछी थी? पेट्रोल से। निकल जाओ मेरे घर से, आइंदा इस घर में एक कदम भी मत रखना, निकले यहाँ से। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज अब मैं अच्छे से काम करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। मेरे 12 बच्चे हैं। क्या, तुम्हारे 12 बच्चे हैं? मेरे तो एक ही बच्चे है। इतने बच्चों की तुम परवरिश कैसे करती हो? तुम्हारे शौहर क्या करते हैं? मेरे शौहर दिन भर दारू पी के घूमते फिरते रहते हैं और मेरी कमाई खाते हैं। मेरा एक स्कूल है जिसका नाम सफा गर्ल्स स्कूल है। तुम अपने 2-3 बच्चों का दाखिला वहाँ करवा देना। आइंदा ऐसी गलती मत करना। शुक्रिया रानी साहिबा, शुक्रिया आपका भी। कुछ हटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चल मा
मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना तेरे चिकने कालो तेज कमल की फसल उगाना अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना किसी बगल वाली को मर्दनी खुशबू सुनाना चल ऊपर के दो बटन ढीले करके बताना वालों वाला सीना दिखाना वालों वाला सीना दिखाना परसों तलक तू साइकिल पे घुमा है हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले गलती से एक हजारों में तेरी पहना है।